राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो सुमन के घर से हम आ चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, और अब हम पहुंच चुके हैं गांव सोरखी, जो कि सुमन के गांव से अगला ही गांव है। तो यहाँ पे हम रुके हैं फल फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से सीधा रास्ता जाएगा बाटोल की तरफ। गीति कहाँ जाएगा अब कहाँ जाएगा? मामा का, मामा का कौन जानदा? क्यों मुंह चढ़ावा है? और बुआ का है? बुआ का जाऊंगा, बुआ का भी नहीं जानदा। और ये करा चलना अपने, बस ही बोली है यो भाई, छिक लिया बाहर हांड के ईब कनु का, बस थोड़ा करा चलो। अरे गीतू मोहन बेटा मोहन, कपड़े दस जंगे। और आपके कमेंट याद आ गए थे, और मास्टर जी हंस रहे थे कि मैं ना आपकी बार काकड़ी लेके जाऊंगा, ज़्यादा दिखेंगी वरना फिर 2 किलो आंबिया ना तो फिर नु कह देंगे थोड़ी सी लेके आई। मैं कोई बात नहीं, अगला ने तो पता है आप कितनी लेके जावा हम। तो भाई लेने वाला भी क्या करेगा, इतना महंगा फ्रूट हो रहा है, 100 रुपये आम्बी, 80 रुपये केले। तो ये चीज़ तो मतलब नहीं, आम्बी तो इस टाइम पर बिल्कुल रुड़ दी फिर थी कोथड़ी का टाइम पर, लेकिन इसकी बार तो बहुत महंगी है। तो पहुंच गए हैं मायके, वैसे तो कई देर होगी क्योंकि बीच में जय की नौटंकी शुरू थी, तो वो मनाया बड़ोया धूप में बैठा था और अंदर को नहीं आवा था, तो उसने मुश्किल तब लेके आई हूँ बाहर तय। तो बस ये हमारे बत्ते शुरू हो गए हैं, यहाँ पे मैं कुछ बताने लग रही थी रितु ने, बस चैनल का रिलेटेड, क्योंकि भाई देखो जिसने जितना टाइम हो जाए ना जिस भी फील्ड में काम करते हुए, तो उसने अपने आप एक्सपीरियंस हो जाए भाई, यह चीज़ अच्छी है या बुरी है या ठीक है या गलत है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं सारी बातें मैं इसने समझाने लग रही थी, और बस मैं हमारी चाल रही है। तो यह क्लिप है कुछ टाइम बाद की, और रितु के तनु हो रही थी, दीदी सूट दिखाऊं, दीदी आपने मेरे सूट दिखाऊं। मैं कहा सूट तो बाद में देख लेंगे, पहले वीडियो अपलोड कर दे, इसकी थोड़ी सी वॉइस ओवर रह रही थी करनी, तो वह वॉइस ओवर हो गई है और वीडियो अपलोड होने लग रही है, तो उसे का जो काम है वो चल रहा है, साथ में इसने बताने भी लग रहे हैं भाई नू कर दिया अगर, नू कर दिया अगर, क्योंकि वैसे तो देखो हम भी करते हैं, कोई बात को नहीं ले भाई, इतना टाइम तो हम भी कैट सका हाँ इन खतर, लेकिन ना आदमी ने आनी चाहिए सारी चीज़ भाई, क्योंकि क्या पता कई बार हमने भी भाई इसी जगह बाहर जाना पड़ जाए, हम नहीं करन पावा टाइम पे, फिर इसकी वीडियो लेट हो जाए, तो उन चीज़ों में कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। टाइम पर वीडियो डाल दे बंदे का मन में नू जावा भाई, उनकी वजह से हमारी वीडियो लेट हो रही है, क्योंकि हो जाए कई बार कुछ अर्जेंट ऐसा। और फिर एक मैं हंस भी रही थी, मैं खरी तू आने चाहिए खुद ने सारे काम, क्योंकि क्या पता कल ना अपनी लड़ाई हो जावे और मैं मरोड़ में हो जाऊं भाई, मैं ना करूं है ना। तो मेरा सोचना ये हो भाई, जिस जड़ा आदमी का हाथ पकड़ लिया ना उसने पार तार के छोड़ दो फिर तो, मैं कहा ये 2-3 काम रह रहे अपने ये और सीख ले, फिर एक्सपर्ट हो जाएगी, हमारी जरूरत को नहीं रहेगी फिर, चाहे लड़ी और चाहे राजी बोली हो। तो इन्हें हंसी मजाक चल रहा था, ये तो मजाक की बात है भाई, और वहाँ बात हुआ है भाई, टेम सब तो बड़ा बलवान हुआ है ना, के पता के बात कब आदमी के मन में आ जावे और के ना आ जावे, तो इस करके मेरा नू था बस जल्दी तो जल्दी बस सीख लें ये सारे काम करने। और क्योंकि ना लोग बहुत बीच में वो करने का काम कर रहे हैं, शुरू शुरू में जब इसने वीडियो डाली ना इतने इतने कमेंट करे हैं लोगों ने, इतने वो मतलब उस कमेंट में क्या करने की कोशिश की गई, मेरे को गिराने की कोशिश की गई है, वो तो ये है वो तो घमंडी है, उसको तो हिंदी नहीं बोलनी आती, उसको तो हरियाणवी नहीं बोलनी आती, तू तो उससे अच्छा हिंदी बोलती, तू तो उससे अच्छी हरियाणवी बोलती है, और तू सीमा की तरह घमंडी मत बनना, मेरे चैनल पा के से अच्छे व्यूज़ तो उसके आ रहे हैं भाई, मेरे चैनल पे व्यू जाओ उनके चैनल पे व्यू जाओ, मैं व्यू जो मेरे ही हैं ये लगा लो ठीक है ना, वो मेरे तय अलग नहीं है, मैंने तो बहुत खुशी हुआ है भाई उनके चैनल पे व्यू जाऊँ, मैं तो चाहूँ मेरे मैं आ जा रहा मैं हूँ मैं लाखा में जाऊँ, तो मैंने इस चीज़ से कोई जड़ नहीं, मतलब वो किते ना कंपेयर करें बंदे ने, कंपेयर करके ना भड़काने की कोशिश करी जाती है, पर सीमा इतनी बेवकूफ़ ना है भाई, मैं तो उस टाइम पे ना हाँ इतना कर दिया करूँ, उस टाइम पे मैं बिल्कुल चुप खींच जाया करूँ, क्योंकि मैंने पता है ये 2 दिन के चौंचले हुए हैं बोक बाकी आप पे रह जाएंगे, तो कुछ लोगों का काम हुआ है देखो, बाकी प्यार करने वाले कितने, हर बंदा जो मेरे चैनल पर कमेंट करे ना वो वहाँ पर भी कमेंट जरूर करके आया है, सबसे बड़ी बात है भाई, कितना वो है भाई हाँ हमने करना ही है, तो ये सारी बात है। और बहुत सारा प्यार दिया आपने भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मैंने भी भाई, हाँ आपने मेरे एक बार कहते हैं इतना कुछ कराया, तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया धन्यवाद। और भाई इव हम लागे हैं अपना फेवरेट काम करने, सूट देखने, क्योंकि लुगाई का तो यो काम होया करे है ना, बहुत अच्छा लगा करे भाई सूट देखना, कौन के ले आई है कौन, हालांकि ये चीज़ इव खत्म हो गई, इव नहीं रही नहीं पड़ोस में, देख कोई भी आया कर दी ना तो सूट देखने जाया कर दे सारे, इव तो बस वही बात है ठीक ठाक काम है,
तो ये सूटे ले आ रही है रितु भाई, मारे भी ले आ रही है, मतलब कि जैसे आया करें कोथड़ी में शुरू में सबे के सारा परिवार के, तो मैं भी और इसके खुद के भी ले आ रही थी, कई सूट सिलवा के भी ले आ रही थी। तो वो जो सारा सामान वो मैंने दिखाने लग रही है, ये भी बताने लग रही थी, दीदी यो फलाने का, यो उसका, यो उसका, नानी का मैं दिया आई, या बात वाह बात, तो यही चल रही थी हमारी। तो ये मैं अपने जो सूट है वो देखने लग रही हूँ, और सूट आपने रितु के चैनल पर देखने मिलेंगे, ठीक है? तो वह दिखावेगी अपने सूट तो, और शायद जो मारा वाले सूट हैं वो इस चैनल पर आवेंगे, मैं दिखाऊंगी जो अगलियां के लेके आई है सासू ननदा के, तो मैं तेरी वाले वीडियो पे भी कहा आया था तेरी तो शक्ल ही चेंज हो गई, मेकअप उतर गया क्या मुंह का सारा ही, वो ही थी अपने चैनल पर करया करवा नेगेटिव कमेंट वो मत जोर। चार दिन हो गए तो भाई ये मंदिर में कोथली ले बैठे हैं, 20 बार तो रेडिया में बोल लिया भाई आज जो ले जो फलाना फलाना काम में था अरेंज किया, सारा काम मैं इंड लिए तो ईव हो रहा है 2:30 का टाइम, सूट शर्ट हमने देख लिए हैं, रख दिए हैं, और वीडियो बनानी थी मैं भी बना ली है, और वही वह आपने फिर बाद में देखने मिलेगी, क्योंकि वो व्लॉग तो फिर बहुत लंबा हो जाता है, एक वह वीडियो तो फिर स्पेशल सूट आएगी है, एक रितु के चैनल पाओगी और एक मेरे चैनल पाओगी। तो ईव अपने मैं ला रही हूँ कोल्ड ड्रिंक पीण, और साथ में रितु ने जो गेवर बिस्किट है वे रख दिए थे जो यह लेके आई थी मे वाले, तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई भाभी की जो कोथड़ी है वह भी चाख लिया, और ईव हो गई हमारी चलने की तैयारी। इस टाइम पे मेरे हिसाब से 4 बज गए थे, मैं तो कह रही थी मैं कहा 5 बजे सीख चलेंगे, 7 बजे लग पहुँच जाएंगे, लेकिन मास्टर जी पे कड़ा रुकिया जावे था, फिर कुछ इनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, तो इस करके अभी तमाओगे कमाओगे का पानी गेट दिया नहीं, फिर मैंने उधर का पानी गेट ना पड़ा क्या न गेरे बेचारी मरी यहाँ से हमारी, तो देखो कावड़िया गया भर लिया चिड़िया ने गिलास, बस 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 अब बोड़ी सीट भेज दी, पूंजी भी सीट ना भेजियो ना आप ना भेजियो ना आप ना आप ना भेजियो, देखो ना आप मजाक की बात अलग है। और कमेंट आ रहे थे रितु वाली वीडियो पे कि बेबे गलत बात है, मास्टर कहानी को नहीं लागी, रितु भी तो ने भी तो बे हैं, तो मैं इस चीज से नहीं डर रही थी भाई रितु ने बेवेंगे, रितु ना आंगन में खड़ी करके बेसंग बे लेंदे, मैंने इनकी इतनी तो तसल्ली थी भाई ये अंदर भी पानी मार देंगे कमरे में तो फिर सारे को पानी हो जाएगा, बस मैंने नूता बैर बरामदा में और कमरे में ना पानी मारियो, आंगन में खड़ी करके बेसंग बे लो, क्योंकि पानी तो सूख जाएगा देखो आदमी भीग जाएगा, तो बस अंदर है ना काम ज्यादा फैल जाएगा फिर आदमी का, और इसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब चल रही है कई दिन आता है ना नट दे नट दे गिर गई और देख रहा है रिपट रहा है देख बार कितना है ए मेरा बैग ना भेज दियो रे हाय तुम हमारे मुंह पे ना मैं नट नहीं थी और आप ये चोल धड़ी पक्के था ना के कड़म मैं छोड़ दर रहा के जैन नलासी पा जान दिन तेरी बाल्टी में पानी है कोई नहीं है तो सूख जाएगा, एक टंकी जाएं 5000 क्या था एक चदर लेंगे हाँ कोथड़ी भाई कोथड़ी ट्रैक्टर में लेके यो एक तो जोड़ा रस्सी लत्ते सुखाने का तर ना कोथड़ी में आनी नहीं वो सोना इबकी बार तो एवं चल पड़े हैं, और ये देखो भाई बाटुल के खेतों का हाल डोले ना के एक कर रखे हैं, और जो माँ मतलब क्या हुआ गाड़ा तो देखो भी कुछ नहीं मारे गए कई जगह पर तो लोग, और कई जगह बरस रहा है कई जगह नहीं बरस रहा है, तो यहाँ पर तो बहुत बुरा हाल कर रखा था, यहाँ पर तो यू मतलब बहुत बड़ा शिमाना दिखा था दूर लग जिसमें सिर्फ पानी ही पानी दिखा था और कुछ दिखा ही नहीं था,
और बाकी भाई किले किले का भी फर्क हो जाए, कुछ डूंगे किले हुए हैं उनमें अपने पानी ज्यादा भर जावे है और ऊंचाई पे हुए हैं उनमें कोनी भी उन्दा, तो यो भी ज्यादा फर्क हुआ है। और मौसम कर रखा है एंडी राम ने बाइक पान का, और आंधड़ी तो हम खाली भी थे तो आंधड़ी कोई दिक्कत नहीं हुई। और इब हम रुके हैं भाई बरवाड़ा के आसपास का है यू, तो यहाँ पे मक्की ले थी हमने कि मक्की खा लेंगे। ज्यादा लगाऊं के लगा दो और पहुंच गए हैं हम घर। और टूट तो रही थी मेरी चप्पल, मेरी माँ ने सोचा पता नहीं क्यों हो गया, मेरी माँ ने कहती क्यों हो गया क्यों हो गया, मैंने मजाक में कह दी मैं खामा पड़ गए थे बाइक पे तो चोट लगी तो ही सुनियो मेरी माँ की और जो मैं करड़ी सच्ची बता दे करड़ी लगी की बॉडी का मुझे ओके बेटा चप्पल परा दे पैर में जो मैं करड़ी चोट लग रही है चोरी चीज लागे पैर में ओ बैठन दे बेटा तेरे चोट लागी कुछ भी कोनी बैठके ना नू भाई कित लाग रही है दिखा खा कह कोई मतलब नहीं मेरा कोई नहीं आपने कोनी पूछी पूछी रे कोड़ा पूछी पूछी ना कड़ा पड़ गई फिर मैंने के बताई थी आगे पूछी भी कोनी के इतनी चली बता दी और के बताऊं ना साथ से बता दे नू का है बता दी और के बताऊं अयो आ गया झूठ झूठ है तो यू मैं इसने चला गया था राम उधर ओए। तो चलो भाई आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपने एक नए व्लॉग के साथ। और वीडियो किसा लगे जरूर बताइए कमेंट करके, वीडियो ने लाइक कर दियो पसंद आई हो तो ठीक है। और चैनल पे नए हो या चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे है बिना सब्सक्राइब करे चैनल देखो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री में होता है, सच में फ्री में होता है। और चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।